साहब का ये मतलब नहीं कि आप उनके लिए कोई लड़ाई लड़ रहे हैं पैसे लेके, एजेंसियों का किरदार तो होता है पूरे दुनिया में होता है, वो ये इशारा कर रहे हैं आप, मैं आपके जज्बात भी समझ रहा हूँ कि आपके लाख लोग शहीद हो चुके हैं और कश्मीर की लड़ाई न रॉ की लड़ाई है, ठीक बात है, जहाँ तक हम कश्मीरियों की लड़ाई मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक नहीं रखता, हाँ नहीं ठीक, जहाँ तक कश्मीर की स्ट्रगल का ताल्लुक है, न तो ये ISI की लड़ाई है और न ये रॉ की लड़ाई है, ये हम कश्मीरियों की लड़ाई है और ये हम कश्मीरियों को फैसला करना है और हमें इसका हकी खुदरादियत का जो मंसूबा है उसके मुताबिक हमें अपना हक इस्तेमाल होना चाहिए और हमें फैसला करना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा। ठीक, का उनका कहना यह है कि ये जो एजेंसियों का आप जिक्र कर रहे हैं वो लड़ाई वो नहीं लड़ रहे, ये उनका मौकफ है, मैं को उसके ये नहीं वकालत नहीं कर रहा, आप सुन लें, वो ये कह रहे हैं कि अगर ये पैसों का मामला होता, कोई एजेंसियों के इशारों पे हो रहा तो इतने साल ये काम ना चलता, लाख से ज्यादा वो कह रहे हैं हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, इंडियन फोर्सेज वहां पे परमानेंट बैठी हुई हैं। ओके, अब अच्छा, अब बातें तो बड़ी दिलचस्प है, हम इसको और आगे बढ़ा सकते हैं लेकिन अब हमें टाइम की जो तंगी है वो आड़े आ गई है। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया, त्रंबू साहब तशरीफ लाए, शुक्रिया सिंधु साहब, बैरिस्टर साहब, आप लोग, आपसे बातें फिर कभी बैठ के इस पे करेंगे, आपका और त्रंबू साहब का एक मुनाजरा कराना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो बात की इसमें यही हमने सीखा है कि हमें दूसरे की राय का एहतराम भी करना चाहिए, खा वो आपको पसंद हो या ना हो। इसी के साथ अदनान खान को इजाजत दीजिए, अगले वीक फिर मिलेंगे, बाय बाय फॉर नाउ।